नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास जो है बेटा वो है सुपर 25 क्वेश्चंस की, और ये क्लास दो चैनल्स पर एक साथ चल रही है, एसएससी एग्जामपुर पर और मेन चैनल एग्जामपुर पर। तो जो लोग एग्जामपुर चैनल से जुड़े हुए हैं बेटा, आज आपकी टीचर की एब्सेंस में आप लोगों की क्लास मैं लूंगा, और वही टॉप 25 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसी पर आज हम बात करेंगे। तो आप सभी जुड़ते रहिए बेटा, सेशन को शेयर कर दीजिए और हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो हम पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, एनालॉजी से क्वेश्चन है और देखते हैं कौन पहले इसका आंसर करेगा। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बेटा आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन बेटा एनालॉजी से, आप जैसा कि जानते हैं कि एनालॉजी अपने आप में 2 से 3 मार्क्स की वेटेज रखती है एसएससी के हर एग्जाम में। बेटा वेरी गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग जुड़ते रहिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, सभी को वेलकम है बेटा, सभी को वेलकम है, आते रहिए बेटा। वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए इसका मैच बनाते हैं बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता है जो रिलेशन इधर होगा वही रिलेशन इधर बनाना होता है। तो बार्क कौन करता है, डॉग, भौंकता कौन है, कुत्ता। तो चिड़िया क्या करती है, चहचाती है या चू चू करती है, तो डी इज द राइट आंसर, क्रिप इसका आंसर आएगा, चू चू करना, आप सभी का सही है, बहुत अच्छे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी से क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। भाई सभी बच्चों को राम राम, जय महाकाल, जय श्री राम, जुड़ते रहें बेटा, आते रहें, सेशन को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप इस सेशन से कुछ सीख कर जाएं तो प्लीज लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। अगर आप लोगों को अल्फाबेट की न्यूमेरिक वैल्यू याद है तो ये सवाल चुटकियों में हो जाते हैं, और चुटकियों में करने के लिए आपकी मजबूरी है कि आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, वर्ड है ई एल क्यू जेड और नीचे अल्फाबेट दिए है ए जे ओ वी। अब ई की वैल्यू होती है 5 और V की होती है बेटा 22। जिनको न्यूमेरिक वैल्यू याद है क्वेश्चन पकड़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगी, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखना, जब दो अल्फाबेट की वैल्यू 27 बनाती है तो उन्हें हम कहते हैं अपोजिट लेटर। क्या कहते हैं बेटा, अपोजिट लेटर, ठीक है। तो देखेंगे एल का अपोजिट ओ, क्यू का जे और जेड का ए, तो ये पेयर क्रॉस में बना हुआ है, यानी कि डी का अपोजिट जो भी होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, तो डब्ल्यू आगे आएगा, तो 2 ऑप्शन कट गए। लास्ट फर्स्ट का सबसे पीछे लिखा जाएगा, वी का अपोजिट ई होता है तो दोनों में ई है, अब एक से पता लग जाएगा टी का अपोजिट क्या होगा बेटा, जी, क्योंकि एक्स का इधर चला जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है बेटा, बताएंगे 40 को 100 लिखता है तो 56 को क्या लिखेगा, 56 को क्या लिखेगा, बताइए बेटा। सबसे पहले आंसर दिया है नेहा ने, नेहा पांडे, वेरी गुड, देखिए जरा क्या आंसर है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा सभी बच्चों को,
गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी, जुड़ते चले जाओ, सेशन को शेयर कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस सेशन को पहुंचा दो, और अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। बहुत सही आंसर दिया बेटा आप लोगों ने, 140 140 140, बहुत अच्छी बात है। चलो चेक करते हैं जरा, 40 को 100 बनाना है, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि जब भी हम एनालॉजी को चेक करेंगे तो सबसे पहले पावर से क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्या ये नंबर कहीं भी क्यूब के या पावर यानी कि स्क्वायर के आसपास है, ऐसा हमें नहीं दिख रहा। तो अब हम दूसरा स्टेप होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो वहां से चेक करेंगे। 40 को 100 बनाने के दो तरीके हैं, पहला कि 40 इंटू 2 कर दें और इस डिजिट की हाफ वैल्यू को इसमें ऐड कर दें, दूसरा कि 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 100। जोन सा आपको पसंद आए उससे क्वेश्चन को कर लेना बेटा, तो बात एक ही है। तो 56 को जब मैं डबल करूंगा तो 56 का डबल होता है बेटा 112, और 56 का आधा कितना होता है 28। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 140। ए इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, डन। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका सही आंसर आ रहा है। डेविड, गुड़िया, आप सबने आंसर सही दिया है बेटा। विशाल, राहुल, आप सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑड वर्ड निकालना है, विषम शब्द को चुनिए, चैप्टर है क्लासिफिकेशन, अपने आप में वेटेज रखता है 2 से 3 मार्क्स की एसएससी के हर पेपर में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल्के में ना ले, हालांकि क्वेश्चन हल्के होते बट हल्के में ना ले भाई। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, राजेंद्र जी आपका नमस्कार स्वीकार किया। चलिए आंसर दो बेटा, बुक, पेन, पेंसिल और वैक्स कलर, इसमें से कौन सा अलग होगा। आंसर आ रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है डी और ए के बीच में, फाइट अच्छी है डी और ए की। चलिए देखें जरा बेटा, बुक राइट आंसर होगा, कारण पेन पेंसिल और मोमी कलर यानी कि वैक्स कलर, ये सभी राइट के काम, मतलब लिखने के या ड्रॉ करने के, शेड करने के काम आते हैं। बुक का पर्पस इनसे अलग है, इसलिए हम बुक को चूज करेंगे, ऑड वन आउट, इन तीनों का एक ग्रुप है और बुक इनसे अलग होती है। ए इज द राइट आंसर, डी इसलिए नहीं होगा कि बुक का पर्पस इन तीनों के पर्पस से अलग है, ठीक है, ये लिखने या शेड करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर से ऑड वन आउट करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 5 ऑड वन आउट करना है हमें फिर से, तो बताइए इसमें से कौन सा अलग होगा। जिनको न्यूमेरिक वैल्यू आती है उनका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बताइए बेटा जल्दी से बताइए। चलिए देखो बेटा, इसमें एक कॉमन सी चीज दिख रही है आपको, पहले दो अल्फाबेट्स में ध्यान से देखेंगे, ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ, ई का वी और जेड का ए, तो अपोजिट से तो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया, अगर अपोजिट से नहीं आया तो क्वेश्चन डिफरेंस से पकड़ में आएगा, बस सटीक अल्फाबेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं ए और एफ के डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस है +5, ए की वैल्यू 1 होती है, एफ की वैल्यू 6 होती है, 1 से 6 पर जाने के लिए 5 अक्षर जोड़ने पड़ेंगे। इसी तरह L 12 होता है और Q 17 होता है, तो इसमें भी 5 अक्षर जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। E 5 होता है और K 11 होता है, तो इसमें भी 5 जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन Z से C पे जाने के लिए मुझे 3 अक्षर जोड़ने पड़ेंगे, A, B और C, ठीक है बेटा। तो डिफरेंस कहां आया, कौन एक इस रूल को ब्रेक कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है डी, तो इसको उठाकर बाहर फेंकेंगे यानी कि ऑड वन आउट करेंगे, तो डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं और सही टाइम पर आ रहे हैं, ठीक है बेटा।
चलिए बहुत अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलोग से, सिलोजिज्म से क्वेश्चन है बेटा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी कि विदाउट डायग्राम भी अगर हम चाहें तो इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए पहले इसको डायग्राम से बना के बताते हैं, फिर वो ट्रिक बताते हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको इस ट्रिक के बारे में बताएंगे। देखो बेटा, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कहता है ऑल बुक्स आर इरेजर, ऑल बुक्स आर इरेजर और ऑल शॉर्पनर आर बुक्स। तो ये हो गया शॉर्पनर, ये हो गया बुक और ये हो गया इरेजर। ठीक है बेटा, ऑल शॉर्पनर आर बुक्स और ऑल बुक्स आर इरेजर, तो डायग्राम बन गया ये वाला। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी मेरे पास सर्कल में सर्कल और सर्कल में सर्कल इस तरह का डायग्राम बने तो ऐसे केस में नीचे दिए हुए पॉजिटिव सम हमेशा सही होते हैं। देखो कैसे, सेकंड में दिया है सम बुक्स आर शॉर्पनर, भाई सम बुक्स आर शॉर्पनर क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है तो सेकंड क्या है सही है। फिर ये कहता है ऑल शॉर्पनर्स आर इरेजर, तो ऑल शॉर्पनर्स आर इरेजर, तो इरेजर का पार्ट है शॉर्पनर, तो ऑल शॉर्पनर्स आर इरेजर। ये तो बात थी डायग्राम से क्वेश्चन को टैकल करने। अब बात करते हैं कि अगर मुझे डायग्राम में भी टाइम बचाना है तो मैं क्वेश्चन को कैसे बनाऊं। सबसे पहली चीज, नीचे आंसर में ऑल तभी आ सकता है जब ऊपर कम से कम दो स्टेटमेंट ऑल की हो। दो स्टेटमेंट ऑल की है, बिल्कुल है। कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है बुक, और कॉमन टर्म आंसर में ना हो, ऑल के साथ ये दोनों टर्म जुड़ी हो। ठीक है, तो देखो शॉर्पनर ये रहा, इरेजर ये रहा, अपनी अपनी जगह, जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट में है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में है, तो ऑल और ऑल आंसर ऑल बिल्कुल होगा। दूसरा, जब भी दो स्टेटमेंट ऑल की होंगी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नीचे दिए हुए सारे के सारे सम पॉजिटिव में सही होते हैं, सम पॉजिटिव में सही होते हैं। तो देखो सम ये रहा, बुक और शॉर्पनर पॉजिटिव में सही है, हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी। तो डायरेक्टली आंसर आया सी, इस तरह के सवाल को मैं पढ़ते पढ़ते भी बना सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये तरीका समझ आया होगा। चलिए इसी तरह की ट्रिक्स को जानने के लिए आप लोग ऐप पे जुड़े बेटा, तो और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस इन विच दे इन डिक्शनरी, द डिक्शनरी, वो कहता है शब्दकोश में आने वाले कर्म के अनुसार लगाइए। जिस तरह से डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स को ढूंढा जाता है, इन वर्ड्स के सीक्वेंस को उसी तरह लगाना है। देखते हैं पहले कौन आंसर देगा। चलिए बेटा जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए। वन टू फोर फाइव थ्री, सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया, जैसा कि उनके नाम में सिंह है। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, सी सब में कॉमन है, तो जहां तक सब में कॉमन है वहां तक लेते हैं। सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी और सी ए डी। अब सी ए डी, सी ए डी के साथ तीन अक्षर सब में कॉमन है, तो चौथे अक्षर की तरफ चलते हैं, चौथे अल्फाबेट की तरफ चलते हैं। जहां पर छोटा अल्फाबेट मिलेगा वो पहले आएगा। ठीक है, अब देखो डी के बाद ए आ गया, तो ए इन सब में छोटा है, तो सबसे पहले वन से स्टार्टिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर डी और सी कट गए। अब हमें वन और टू के बीच में फाइट करनी है। वन और टू में वन टू और वन टू कॉमन है, तो हमें ये वन और ये टू कंपटीशन से आउट कर देना है। अब जो भी फाइट है वो फोर और थ्री की है, बस हमें फोर और थ्री को चेक करना है, फाइव को चेक नहीं करना, फोर और थ्री को चेक करना है कि आंसर क्या होगा। अब डी के साथ यू है और डी के साथ डी है, तो पहले डी आता है बाद में यू आता है, तो चौथा पहले आएगा
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, बताइए नेक्स्ट क्या होगा। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन सीरीज से है, अल्फाबेट की सीरीज से सवाल है आप लोगों के सामने। बताइए नेक्स्ट क्या होने वाला है। इस तरह के सवाल में जर्नली 90% एक ही पैटर्न लगता है, वो क्या है? पहले अल्फाबेट को पहले से चेक करना शुरू करें। ठीक है, ए को एफ लिखता है प्लस 5 और एफ को के लिखता है प्लस 5, तो अगले सीक्वेंस में भी यहां प्लस 5 ही होगा। तो 11 और 5 16 स्टार्टिंग होगी बेटा पी से, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें पी वालों में पी और आर तो दोनों सेम है, तो लास्ट वाले अल्फाबेट को चेक करना है। तो ई को जे लिखता है प्लस 5, जे को ओ लिखता है प्लस 5 और ओ को क्या लिखेगा, 15 और 5 20, टी आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बेटा, सही आंसर दिया आप लोगों ने। देन गुड़िया ने सही आंसर दिया है बेटा, आकाश, गुड़िया, अरविंद, शिवानी, आप लोगों के सबके आंसर सही हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, नंबर किस तरह से बढ़ रहा है, बस उस पर फोकस रखना है। इस तरह के सवालों में ट्रिक काम नहीं करती, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी हेल्प करती है। और कैलकुलेशन को कैसे पहचाना जाए, कैलकुलेशन को कैसे पहचाना जाए वो भी बताऊंगा बेटा आपको। पहले आप देख बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बताओ बच्चों, आंसर आना शुरू हो गया बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सिंह ने सबसे पहले आंसर किया, वेरी गुड बेटा। और इस तरफ ऐप में सबसे पहले किसने किया, गुड़िया ने सबसे पहले आंसर किया, बहुत अच्छे बेटा। चलिए चेक करते हैं। देखो बेटा, नंबर सीरीज को पकड़ने का तरीका क्या होता है वो बताता हूं, कैसे समझ में आए, चीज डबल हो गई। यानी कि जब थोड़े दो चार स्टेप में ही एक छोटा नंबर एकदम से बड़ा हो जाता है तो जर्नली उस केस में पावर या मल्टीपल लगता है। ठीक है, पावर जैसे नंबर मुझे दिख नहीं रहे तो मल्टीपल लगाते हैं। तो यहां मल्टीपल कितना है, 9 × 2 18, 18 × 4 72। अब देखो ये डबल हो रहा है, या तो दो दो चलेंगे, इंटू 6 आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको इंटू 6 करता हूं तो 6 × 12 यूनिट प्लस 2 होना चाहिए था। इसका मतलब ये दो दो के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, ये डबल के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इंटू 4 × 8, तो देखो 8 × 2 = 16 यूनिट प्लेस आ गया 6। अब इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 16 से करेंगे। ठीक है, तो 16 × 96, देखो सबका यूनिट प्लेस 6 है। ठीक है, तो अब ठीक, अब देखेंगे 16 × 7 = 112। ठीक है बेटा, और इसमें ऐड करेंगे 9, तो ये हो गया 21, बचे 2, 16 × 5 = 80। ठीक है, और ये बचे 12, 16 × 5 = 80, 112 में से यूनिट प्लेस। हाँ, और ये आया आपका 92, यानी कि 80 और 12 9216, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, सबने यही आंसर दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है ना तो आपके एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता, भले ही चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग हो, कहीं भी हो। कैलकुलेशन के क्वेश्चन में ही रीजनिंग में नंबर कटते हैं, या तो नंबर सीरीज में बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आता है,
या एनालॉजी नंबर की जो नंबर एनालॉजी होती है उसमें क्वेश्चन छोड़ के आता है, या फिर क्लासिफिकेशन में। ये तीन चैप्टर बेटा ऐसे हैं जो मेरिट को डिसाइड करते हैं। कई बार सवाल 10 सेकंड में समझ में आ जाता है और कई बार 10 मिनट लगाने के बाद भी चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। उसका यही सॉल्यूशन है कि आप लोग बस कैलकुलेशन पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और क्या है, पॉइंटिंग का क्वेश्चन है शायद। पूनम टोल्ड आकाश और पूनम टोल्ड अक्षय दैट यस्टरडे शी डिफीट अक्षय ओनली सिस्टर डॉटर सिन स्नेहा इन अ स्कूल टाइकांडो कॉम्पिटिशन, हाउ इज अक्षर रिलेटेड टू स्नेहा। चलिए देखिए जरा, पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, उसने कहा कि अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के टाइकांडो प्रतियोगिता में हराया था, ठीक है। तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है बेटा। ये अक्षय है, अक्षर नहीं, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अक्षय उससे किस प्रकार संबंधित है, तो अक्षय बेटा उसका अंकल है, यानी कि माता का भाई क्या हुआ बेटा, मामा। तो ये इसका क्या लगा, अंकल। तो राइट आंसर क्या है, अंकल इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, सही आंसर दिया आप लोगों ने, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चले, अगला सवाल, इन अ रो ऑफ बॉयज तारक इज 18 फ्रॉम द आइदर एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। वो कहता है लड़कों की एक कतार में किसी एक बच्चे के बारे में उसने बताया जो दोनों तरफ से 18वें स्थान पे था, तो बताइए उस कतार में कुल कितने लड़के थे। रैंकिंग से क्वेश्चन है बेटा, एक नंबर की वेटेज होती है इस चैप्टर की, और एक सवाल आता ही आता है, या तो सीक्वेंस से आ जाता है या रैंकिंग में से आ जाता है, ठीक है। बताइए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक झटके का सवाल था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंपल था। आगे से भी 18 है ये बंदा और पीछे से भी 18 है, 18 + 18 = 36, लेकिन ये 18 में भी ये बंदा ऐड है तारक, और इस 18 में भी ये तारक ऐड है, तो तारक दो बार ऐड हुआ तो -1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट का प्लेस प्लस राइट का प्लेस -1, इससे आपका आंसर आ जाता है। तो 18 + 18 - 1 = 35, तो 35 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने। तो राजेंद्र ने तो पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, लॉक कर दिया आरती ने, आरती आपने लॉक किया था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है एक वर्ड दिया होता है, बस हमें एक लाइन पर फोकस करना होता है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड या कैन बी फॉर्म्ड, के बनाया नहीं, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है। इसमें दिए शब्दों से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जाएगा, इसके अक्षरों से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जाएगा, बताइए बेटा फटाफट से। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आंखों का खेल है सारा, एक झटके में दिखना चाहिए कौन सा अल्फाबेट नहीं है, 26 अक्षरों में से इसमें दिए गए अक्षरों में से कौन सा नहीं है। वेरी गुड सही आंसर जा रहा आप लोगों का। बहुत अच्छे बेटा, चलिए देखिए जरा, अब ध्यान देखिए, अगर सॉल्व लिखता हूं तो वी एक ऐसा अल्फाबेट है, ये वी इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एब्सोल्यूट में वी नहीं आता, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डीकोडिंग, दो से तीन मार्क्स की वेटेज होती है इस चैप्टर की,
कोडिंग डीकोडिंग, देखते हैं इसमें कौन पहले आंसर देगा। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, बनाइए इस सवाल को। बनाइए बेटा, बनाइए जल्दी जल्दी। अगर इस ये वाला सेशन आपको पसंद आ रहा है तो बेटा शेयर भी करें और प्लीज इसे लाइक भी करें, ठीक है। चलिए, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 13 का डी, चेक करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि आपका आंसर सही है आरती बेटा। और इधर वाले क्या कहते हैं भाई, एसएससी एग्जामपुर वाले क्या कहते हैं, डी 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 डी, वेरी गुड। चलिए चलिए, देखिए बेटा इसको चेक करते हैं। देखो बेटा, उसने बोला ऑप्टिमिस्ट, ठीक, इसको लिखता है एल के आर एन आर जी एच जी, ठीक। तो देखते हैं बेटा, ओ होता है 15, एल होता है 12, तो इन दोनों का टोटल आया 27। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि अपोजिट लेटर जाएगा, क्योंकि अगला पेयर भी अपोजिट में आ रहा है। तो इसका अपोजिट यहां है, इसका यहां है, इसी तरह एस का यहां है और टी का भी यहां है। डन। अब बात करते हैं सेंटर वालों में क्या हो रहा है। देखो बेटा, इस टी का अपोजिट ये रहा जी, आई का अपोजिट ये रहा आर, आई का आर और एम का एन। तो यानी कि आगे वाले दो अक्षर और पीछे वाले दो अक्षर के अपोजिट लेटर सेम प्लेस पर आएंगे, और सेंटर में जो भी बैठे हैं, चार बैठे हो, तीन बैठे हो, एक बैठा हो, उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक। तो उसी हिसाब से इसने हमसे इसका पूछा, ठीक है। तो P का अपोजिट क्या होता है इसका बताना है। P का अपोजिट होता है बेटा K, और K से एक ही स्टार्ट है, डी ऑप्शन। इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पूरा बना के देखें। अगर एक भी चीज पकड़ में आ जाए तो आंसर लगाओ और आगे निकल जाओ। तो डी इज द राइट आंसर, अगर आप इसे आराम से बनाएंगे यही बनेगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, कुछ नया था, इस पैटर्न को नोट कर लेंगे बेटा। डबल स्टार के साथ मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जैसा कि हर क्लास में बताता हूं, टाइम टेकिंग सवाल को हमेशा लास्ट ऑप्शन से उठाएं, क्योंकि जर्नली जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम खाते हैं उनके आंसर सी या डी ऑप्शन पर मिलते हैं। तो प्लीज जो लोग ए और बी से चेक करते हैं, आंसर ए और बी पर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फ्रीक्वेंसी है वो सी और डी की है बेटा। तो इसलिए एक बार जो ए और बी से बनाते हैं वो सी और डी से बना के देखें, शायद तुम लोगों के 2-4-10 सेकंड सेव हो जाए। हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्जाम में टाइम को सेव करना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाना है। इस इक्वेशन में बदले हुए साइन को लिखना है बस। वेरी गुड इवनिंग बेटा सोनिया चौधरी, बेटा वेरी गुड इवनिंग, जुड़ते रहे बेटा, सेशन को शेयर करना ना भूले, और कुछ भी अगर सीखा हो इस सेशन से तो लाइक जरूर करके जाएं। चलिए चेक करें, नंबर है बेटा 4-10-5-9-3 और हमें इक्वल्स टू करना है 51 के। तो यानी कि ये केस क्या है, आपने पढ़ा होगा आरएचएस
इक्वल्स टू एल लेक्चर्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसा हमने सेवेंथ या एट्थ की मैथ्स में पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करें जरा। वो कहते हैं माइनस और डिवाइड को चेंज कर दो। ठीक है, तो जहां पर डिवाइड है, जहां पर माइनस है वहां डिवाइड आ जाएगा। अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड लगा देता हूं तो बेटा 10 से 4 को भाग करना, थोड़ा सा पॉइंट में जाने के ज्यादा चांसेस है, तो पॉइंट वाले केस से थोड़ा बच के चले पहले, पहले पॉइंट वाले में टाइम खराब ना करें। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, प्लस और माइनस को बदल देते हैं भाई। माइनस की जगह प्लस लगा दिया, इनटू अपनी जगह है, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, डिवाइड अपनी जगह है। तो क्या करें, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 + 10 इंटू 5 - 3, तो ये कितना हो गया 4 + 50 - 3। तो आप देख पा रहे हैं 50 और +4, 54 - 3 = 51, सेटिस्फाई सी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले पॉइंट वाले केस से थोड़ा बच के चले, वरना वो टाइम खा जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, वो ये कहता है 12 ब्रैकेट में 20 16 लिखता है, 21 35 28 लिखता है, तो 48 80 ए को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये तीनों नंबर कैसे मिलकर 20, कैसे मिलकर 16 या कैसे मिलकर 12 बना रहे। तो चलिए टास्क है आप लोगों के लिए, पहले कौन आंसर देगा, देखता हूं कौन इसका सॉल्यूशन भी देगा। मनीषा गिल, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेलकम है आपका प्लेटफॉर्म पर। बताइए बताइए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। किसी किसी को पैटर्न समझ में आ रहा है कि 20 12 20 को 12 और 16 को 20 कैसे लिख रहा है। सबसे पहले आंसर दिया है सुबोध ने, बोलता है सर बी आएगा, फिर नूतन कहती है कि सर सी आएगा, कुमार कहता है सर 64 होगा, राहुल भी कहता है कि सर सी होगा, और इधर आदित्य कहता है सर सी आंसर है, आशु वर्मा। चलिए बेटा चेक करते हैं, 12 को 20 लिखता है 16। ठीक है भाई, अब हम क्या करें, 12 और 16 का डिफरेंस है 4, अगर इस 4 को लास्ट डिजिट में ऐड कर दूं तो 20 आ जाएगा। क्या यही फंडा आगे चल रहा है, 21 और 28 का डिफरेंस है 7, क्या 7 को 28 में जोड़ दूं तो आ जाएगा, 7 और 28 35, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 48 इसका 80 बनाना है, तो यहां ऐसा कौन सा नंबर लूं कि जिसके अंदर इन दोनों नंबर का डिफरेंस जोड़कर 80 बन जाए। तो आप लोगों ने आंसर दिया है सर सी दे दो। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा, अगर मैं 64 को रखता हूं तो 64 क्या कहता है, 64 कहता है सर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया जी 16, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 16, 64 में 16 ऐड कर दो 80 आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, सही पकड़े हैं एकदम, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बताएंगे आंसर क्या होगा। बताइए बेटा बताइए आंसर क्या होगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का नंबर आने का मतलब है कैलकुलेशन, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब वो चैप्टर कोई भी हो, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नंबर अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। आंसर आने चालू हो गए हैं भाई, 4 4 4 4 4। चलिए चेक करें जरा इसको,
सबसे पहले पैटर्न पकड़ते हैं, तीन छोटे नंबर एक बड़ा नंबर। जब ऐसा हो कि एक कॉलम में कुछ नंबर छोटे और नंबर एकदम से बड़ा आ जाए तो जनरली केस में मल्टीपल चलता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, देखिए जरा 8 6 48 और 48 into 2 96, यानी कि इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 30 और 30 2 60, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, ये हो गया 5 6 30, 120 में 30 से भाग दे दो, आंसर बाहर आ जाएगा डायरेक्टली 4 आ गया, क्योंकि 4 5 20 और 20 6 120, ठीक है, डन। तो 4 इज द राइट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बहुत अच्छे बेटा, कैलकुलेशन सही होगी आप लोगों की अपना प्रैक्टिस कर करके। यानी कि सुपर 25 क्वेश्चंस का फायदा हो रहा है आप लोगों को। ये सेशन रोज 4 बजे 4 से 5 होता है, आप सभी को पता है। तो जुड़े रहने के लिए बेटा सेम टाइम पर लाइव आए, कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है यहां पर, पूरे रीजनिंग के कोर्स की प्रैक्टिस हो जाती है 25 सवालों में, ठीक है। चलिए बताइए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, देखते हैं कौन पहले बताएगा। किसकी नजरें तेज है जो इसमें छुपे ट्रायंगल्स को भी पकड़ सकती है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बताएंगे बेटा आंसर, चलो टाइमर लगा दिया, विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में आंसर देंगे। अरे वाह भाई सुमित, तुमने उससे पहले ही दे दिया आंसर, बहुत अच्छी बात है। अब वो सही है या गलत है वो बात की बात है। सुमित कहता है 44, नैन्सी कहती है 46, हैरी कहता है 44 44 44, और भाई अक्षय आदित्य अरविंद आकाश सुरेंद्र अरविंद आप लोग बोलते हो सर 38 44 46, यानी कि तुम लोगों के फ्लक्चुएशन बहुत आ रही है। टाइम ओवर 33 सेकंड हो गए। चलिए बेटा इसमें दो कंसेप्ट लगे हैं ट्रायंगल के, दोनों समझा देता हूं, एक जल्दी से समझेंगे। जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक बिंदु से चलकर, एक वर्टेक्स से चलकर एक साइड पर आकर कंप्लीट होती है, तो ऐसे केस में जितने पार्ट बनते हैं उनके नंबर लिखते हैं और दिए हुए नंबर्स को ऐड करते हैं, तो इस सेक्शन में कितने बने, 3। कभी भी काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन में, चाहे ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो, पूरी कंप्लीट फिगर को एक साथ मेजर नहीं करना, वरना गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, चीजों को तोड़कर बनाएंगे। तो सबसे पहले इस सेक्शन को अलग करते हैं, इस सेक्शन में ये वाली कंस्ट्रक्शन क्लियरली दिख रही है, तो बेटा यहां होंगे 3, तो यहां भी कितने होंगे, 3। तो एक पैटर्न पकड़ में आ गया। दूसरे की बात करते हैं, जब भी किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल में डायगोनल कंप्लीट होंगे, विकर्ण पूरे होंगे, तो सेंटर से बाहर जाने वाली जितनी भी लाइन हो उसका इंटू 2 कर दो, तो इसमें कितने हुए, 8। तो ऐसी कितनी फिगर है, 1 8 2 8 3 8 4 8, ये वो पैटर्न है जिनको हमने अलग अलग करके बनाया है। तो 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हुए, 32 प्लस 6, आगे देखेंगे और कितने आएंगे, ठीक है। चलिए समझाते हैं बेटा आपको, जब 8 8 की दो फिगर आपस में ज्वाइंट होती है तो इनके मिलने से एक ट्रायंगल बनता है, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। ज्वाइंट पर जब भी आप दो फिगर्स को जोड़ेंगे तो उनके ज्वाइंट को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, अब तक जो बन रहा था वो इस पार्ट में था, छोटे छोटे 8 8 छोटे छोटे, अब ये दो हमने आपस में मर्ज कर दिए, हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां से ध्यान से देखना बेटा रेड वाले पोर्शन को, एक ट्रायंगल जो बड़ा बन रहा है, तो ये नीचे बन रहा है, तो बेटा देखो ये ट्रायंगल ऊपर भी बन रहा है। तो ये फंडा याद रखना, जब भी 8 की दो फिगर आपस में ज्वाइंट होंगी तो इनके ज्वाइंट पर 2 आते हैं, तो इस 8 और इस 8 के ज्वाइंट पर भी कितने आएंगे, 2, और इस 8 और इस 8 के ज्वाइंट पर भी कितने आएंगे, 2, तो ये भी कितने हुए, 6 हुए, 6 और 6 12, और 2 14, और 3 और 1 4, 44 इज द राइट आंसर। इसके सिवाय
अगर आप इसको इसमें जोड़ोगे, देखो बेस तो बढ़ता है लेकिन ट्राइंगल नहीं बनता, ठीक है। तो ऊपर वाली फिगर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 44 इज द राइट आंसर बेटा, ध्यान से देखो, इससे ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने सिलॉक्स का है, फिर से अपना वही फंडा लगा के देखते हैं क्या लगेगा। चलिए देखो बेटा, विदाउट डायग्राम सिंपल तरीका बिल्कुल चेक करने का, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पॉजिटिव है, यह चीज समझ में आ गई। अब देखना, कंक्लूजन में नोट दिया है, फिर से नोट दिया है, तो आप एक चीज बताना कि पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता, पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव नेगेटिव आंसर देता है। ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नीचे हमेशा पॉजिटिव आंसर ही सही होगा, नेगेटिव आंसर कभी सही नहीं होगा। तो ये पहला और दूसरा कैंसिल हो गए। अब वो कहता है कि सम कार्ड्स आर डन, तो देखिए जरा सम कार्ड्स आर डन बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो बेटा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो वो कहता है ऑल डेंस आर स्पाइरल, ऑल डेंस आर स्पाइरल, सम स्पाइरल आर कार्ड्स, सम स्पाइरल आर कार्ड। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है। और जब भी हमारे पास दो डायग्राम बनते हैं तो हमारा कंक्लूजन दोनों से सही होना चाहिए, अगर किसी एक से भी गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, सम कार्ड्स आर डन, भाई सम कार्ड्स आर डन यहां से तो है, लेकिन यहां इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो किसी एक से भी गलत तो गलत। तो इस केस में तीनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन आएगा नो कंक्लूजन फॉलोज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोनू बेटा वेरी गुड इवनिंग, आपको भी वेलकम है, आपका भी। सेशन को शेयर करना और लाइक करना ना भूले भाई आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, फोल्डेबल डाइस का, देखेंगे जरा। फोल्डेबल डाइस का क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे जरा। हैरी बेटा आपके सर आज किसी वजह से पहुंच नहीं पाए, इसलिए आप लोगों की क्लास मिस ना हो, तो मैं क्लास ले रहा हूं दो चैनल्स पे एक साथ। कल से आपकी सेम टाइम पर वही क्लास होगी जो आपकी आदर्श सर के साथ होती थी, ठीक है। तो टेंशन ना ले, बस अपनी रिवीजन पे फोकस करें। चलिए सिंपल, आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसे केस में सबसे बड़े वाली सीढ़ी को पकड़ते हैं, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। उसने पूछा त्रिभुज के विपरीत कौन सा होगा, तो बेटा त्रिभुज के विपरीत सर्कल होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, वुमेन सिस्टर और वाइफ में कौन सा डायग्राम बनेगा, वुमेन सिस्टर और वाइफ में कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। बताइए बेटा जल्दी से, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखो बेटा, सिस्टर और वाइफ दोनों ही क्या है, फीमेल यानी कि वुमेन होंगी, देन अब वुमेन का सर्कल बड़ा होगा, एक सिस्टर और एक वाइफ, तो बेटा राइट आंसर होगा ये। हमें डायग्राम बनाते टाइम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का भी ध्यान रखना है, एक सिस्टर है एक वाइफ है, तो ध्यान रखना किसी की वाइफ किसी की सिस्टर भी होगी, तो इस पॉसिबिलिटी को ये वाला सेक्शन दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सही आंसर है आप सभी का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को पूरा करेंगे। यहां पर इन चारों में से
कौन से को उठा कर लगाऊं कि मेरा पैटर्न पूरा हो जाए। बेटा आप लोगों को मैं बार बार एक ही बात बताता हूं कि नॉन वर्बल के क्वेश्चन में राइट आंसर कभी मत ढूंढना। आप रॉन्ग आंसर को आउट करो, राइट अपने आप बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के कुछ सेकंड्स बच जाएंगे। जैसे आप सभी को एक चीज पता है कि इधर कॉर्नर्स में कोई लाइन नहीं है, इधर कॉर्नर्स में कोई भी लाइन नहीं है, तो देखो यहां पर ये लाइन आ गई, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इस कॉर्नर में भी ये लाइन आ गई, ये भी खत्म हो गया, यहां पे भी लाइन आ गई, ये भी खत्म हो गया। तो दिमाग किस लिए लगाना कि क्या बनेगा, डायरेक्टली तीन आउट हो गए, एक बच गया, वही आंसर है। बस इतना ही टाइम लगता है इन सवालों में। नॉन वर्बल के किसी भी क्वेश्चन में राइट आंसर के पीछे नहीं भागेंगे, रॉन्ग को आउट कर दो, राइट अपने आप बाहर आ जाएगा। ये फंडा टाइम बचा देता है। नेक्स्ट, एम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई आकृति को ढूंढ के निकालना है, तो बताए बेटा आंसर क्या होगा, बताएंगे बच्चों आंसर क्या होगा। चेक करें, इस केस में सबसे पहली चीज कि जो भी हमें फिगर दी है वो हमें सेम साइज और सेम पैटर्न पर मिले। जब ऐसा ना हो तब हम रोटेशन की फिगर को आंसर बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला पैटर्न मेरे को डायरेक्टली यहां दिख रहा, पहले में डायरेक्ट दिख गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या है, ए, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छे बेटा, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुपर 25 में से क्वेश्चन नंबर 23, अब है आपके सामने मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ए बी पर शीशा रखा है, ये इमेज शीशे में कैसी दिखेगी, बस यही बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शीशे में पहले वाले कॉलम में पास की चीज हमेशा पास बनेगी, तो डॉट नीचे आएगा इस तरफ। तो देखो बेटा इसका डॉट उस तरफ चला गया, तो सी ऑप्शन आउट हो गया, एक गया। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, ये जो डबल लाइन है ये शीशे के पास वाले साइड में है, तो क्या ये शीशे के पास वाली साइड में है, यहां पर नहीं है, ए भी गया, ठीक, सी पहले ही जा चुका है। अब देखना जरा, ये लाइन और ये लाइन अलग अलग कॉलम्स में है, इन ये भाई साहब दोनों को एक ही कॉलम में लिए बैठे हैं, तो ये भी गया, तो राइट आंसर अपने आप बाहर आ गया आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डन। चलिए बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बेटा। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, इसमें बहुत बड़ा कुछ मतलब लैंग्वेज लिखी होती है, लेकिन अपना फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, वो होता है उदाहरण। एफ के लिए बोला 30, तो अगर इसने 30 बोला है तो 3 को इस तरह से रोज में और 0 को कॉलम में चेक करेंगे, ये रहा 3, ये रहा 0, तो 3 और 0 जिस भी खाने में आएगा वो एफ है। अगला एग्जांपल है 2, 3, ये रहा 2 और ये रहा 3, अगला है 2, 3, 2, 3 के लिए इसने क्या दिया है, एन का एग्जांपल देखते हैं 97, यहां शायद कोई गड़बड़ हो रही है, 2, 3 नहीं होना चाहिए था, 3, 2 होना चाहिए था, एक बार चेक करते बेटा, एन का है 97, 9 और 7 ये रहा एन, और 89, 8 और 9 ये रहा एन, ठीक है, तो एग्जांपल सही है, उसमें 3, 2 होना चाहिए था। चलिए अब मैंने बताया कि जैसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अगर मैं पहले से चेक करूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, लास्ट ऑप्शन से चेक करेंगे और उसमें भी लास्ट वाले को सबसे पहले चेक करें। तो यू को चेक करते हैं, क्या 21 पे यू मिलेगा, देखते हैं जरा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, भाई यू मिलेगा। 34 पे मिलेगा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, देखो 34 पे क्या मिला, पी, और हमें चाहिए यू, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया। 27 पे क्या यू मिलेगा, 2 ये रहा और 7 का है, 27, और ध्यान से देखेंगे बेटा 27 का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, क्योंकि 7 नीचे वाले कॉलम में है, 2 ऊपर वाले में है, तो बी भी कट गया। 42 पे आते हैं, 4 ये रहा और 2 ये रहा, 42 में क्या आ रहा है, के, और मेरे को चाहिए क्या, यू, तो डी इज द राइट आंसर,
पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुपर 25 का लास्ट क्वेश्चन क्लॉक से है बेटा। क्लॉक क्या कहती है? वो कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 to 11 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड और मेक्स 0 degree एंगल। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी 0 degree एंगल बनाना हो तो इसकी एक ही ट्रिक है बेटा, वो है फर्स्ट टाइम इनटू 60/11। बस 10 और 11 में पहला टाइम क्या है? 10, 60/11, तो ये हो गया 600/11। और जैसे ही आप 11 से करेंगे 11 5 55 50 बचे और 11 4 44 6 बचे 54, तो ये रहा 54। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज का ये सेशन 25 क्वेश्चंस का पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा इस सेशन से। अगर आपने कुछ भी इस सेशन से सीखा है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म और अपना वही सुपर 25 की सीरीज में कल आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहे, पढ़ते रहे और जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं कल।